हमारा जो इंटीग्रेशन का बेसिक टॉपिक चल रहा है उसी से मैंने आपके लिए एक और सवाल लिखा है। बेसिक जो रूल्स हैं वो यहाँ पे लिख रखे हैं। मैं एक दफ़ा से आपको बता दूँ कि बेसिक रूल में जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की पावर एन हो और इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आगे हो तो फिर हम डेरिवेटिव को छोड़ दिया करते हैं, पावर में वन ऐड करते हैं, जो आंसर मिलता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। और जो सेकंड रूल है उसमें हम ये करते हैं कि जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम नीचे वाले फंक्शन को डेरिवेटिव की शक्ल में, मतलब नीचे वाले फंक्शन को लॉग की शक्ल में लिख देते हैं, यानी लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारे दो बेसिक रूल। अब हम चलते हैं आगे। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें नोमिनेटर में डिग्री देखें और डिनोमिनेटर में डिग्री देखें तो दोनों में डिग्री सेम है। याद रखिएगा, जब नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो जाए या नोमिनेटर की डिग्री जो है वो बढ़ जाए तो दोनों सूरतों में आपको इसे डिवाइड करते हुए पहले सिंपल करना होता है, यानी 1 - x² आप इसे डिवाइड करेंगे 1 + x² के साथ। -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 - x² साइन हम यहाँ चेंज किया करते हैं, x² कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2। अब ये आपका क्वोशेंट है, आपने क्वोशेंट को लिखना है। यहाँ शुरू में लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन, -1 + डालेंगे और जो रिमाइंडर है उसे ऊपर लिखेंगे और जो डिवाइजर है उसे हम नीचे लिखेंगे और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब अगर आप इसका एलसीएम ले लें, दोबारा इसे सॉल्व करें तो यही चीज़ बनती है। तो इसको यूँ अलग अलग करने का तरीका जो है वो हम डिवीजन की मदद से करते होते हैं। अब चलते हैं, हम इन पर इंटीग्रेशन अलग अलग से अप्लाई करेंगे। तो आप देखें जी, -dx बनेगा +2 बनेगा और dx/1 + x² बनेगा। याद रखें, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में दो चीज़ें याद रखनी हैं कि जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम तो आपको डिवाइड करना है, और दूसरा स्टेप जो इम्पोर्टेंट है, जो याद रखना है, वो यहाँ पे है। आपने dx का तो आपको पता है कि dx की इंटीग्रेशन x होती है, अगर -dx है तो -x हो जाएगी। ठीक, ये 2। अब यहाँ आपको याद रखना है कि ये जो 1/1 + x² है ये किसका डेरिवेटिव है, ये आपको याद रखना है। चले मैं आपको यहाँ याद दिला देता हूँ कि d/dx अगर हम लेते हैं टेन इनवर्स x का तो हम इसे 1/1 + x² लिखते हैं। अगर आपको याद हो तो डेरिवेटिव में टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है। तो जब यहाँ लिखा हुआ है 1/1 + x² और उसकी हमने इंटीग्रेशन कर दी है तो फिर हम इसे लिखेंगे टेन इनवर्स x और प्लस सी। जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए, सी एनी कांस्टेंट हमने लिख देना होता है। तो जनाब ये हो जाएगा इसका क्यूट सा आंसर। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख डालें साइन ऑफ इंटीग्रेशन और 1 - cos² x और इसकी स्क्वायर रूट और लिख दें हम dx। अगर हमारे पास है क्वेश्चन इस तरह से कि 1 + cos² x dx तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना होगा। देखिए जी, 1 - cos² x किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के, और इसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट वैसे की वैसे रहेगी और dx। मैंने इस 1 - cos² x की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स लिख डाला, ऊपर स्क्वायर रूट थी रहेगी। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गई जी, आपके पास क्या बचा? आपके पास बचिया साइन एक्स और dx। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है ये आपको याद रखना होगी। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है -cos x। जैसे आपको डेरिवेटिव याद रखनी है वैसे ही आपको इंटीग्रेशन याद रखनी। साइन एक्स की इंटीग्रेशन है -cos x और प्लस हम लिख देंगे सी, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए एक और पार्ट कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन और 1 माइनस कर लेते हैं 1 - cos 2x इसकी स्क्वायर रूट
और हम डी एक्स लिखते हैं। लो जी यहाँ पे ना आपके आपका बल्कि जो समझ ले कि आपके जहानत का इम्तिहान होने वाला है कि जब इस तरह से फंक्शन होगा कि 1 माइनस cos 2x तो आप क्या करेंगे। चलिए जी मैं आपको याद दिलाता हूँ कि यहाँ पे ना हाफ एंगल डबल एंगल के फार्मूलाज हमने पढ़े थे इंटीग्रेशन में सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो वो क्या होते थे। वो ये होते थे कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता था 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको याद हो तो cos 1 माइनस cos 2x बाई 2 बराबर होता था साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है जी, ये साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है। इस तरह अगर हम साइन स्क्वायर एक्स ले लें तो इसके बराबर होता है। या अब जो समझ रहे हैं कि अगर हम इसकी स्क्वायर रूट ले लें यूं, तो ये फिर साइन एक्स इसके बराबर होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2 के। अब आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट थी इसलिए मुझे स्क्वायर रूट लिखना पड़ी। अब हम स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हैं दोनों की। हमारे पास है ये साइन एक्स बराबर होगा 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। यानी मैंने इन दोनों की स्क्वायर रूट अलग अलग कर दी। अब हम ये स्क्वायर रूट उठा के इस तरफ ले आए तो हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। लो जी ये हमारे पास बना। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस क्वेश्चन में हमें ये इस्तेमाल करना होती है। अब हम चलते हैं आगे, मतलब इस जगह पे जहाँ ये लिखा है वहां आपको ये लगाना है। ये उठाएं आप इसकी जगह पुट कर दें तो जनाब आपके पास ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स और डी एक्स। स्क्वायर रूट 2 एक कांस्टेंट नंबर है, हम इसे बाहर लिख सकते हैं। और आप लिखें साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, वो माइनस कॉस एक्स होती है। हम उसका माइनस शुरू में लिख लेते हैं कॉस एक्स, और प्लस सी हमने इसको लिख डाला जी। लो जी ये थी आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए इस टॉपिक के मुतल्लिक तमाम वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता बनती जाएंगी, आप इसे देखते रहिएगा। तो रहिएगा डियर मैथ के साथ, यूं ही हंसते मुस्कुराते। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।